गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप जयपुर डायरीज को इंजॉय कर रहे होगे। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। हम लोग फैमिली के साथ गए थे, फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर भी हो गया और एक ट्रिप भी हो गई। स्पेशली वो जब हम जल महल गए थे, जल महल में काफ़ी सारी चीज़ें थी करने को, और वो जो कबूतरों के बीच में जा कर के जो पूरा सीन था, ओ हो हो, अल्टीमेट यार। वी आर नाउ 75 सब्सक्राइबर्स फैमिली। हम लोग 75 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक सब्सक्राइबर की क्या वैल्यू है वो आज मुझे पता लग रही है। सो थैंक यू गाइस, आपने बहुत प्यार दिया, आपने मेरे चैनल को, मुझको बहुत लव दिया, और जिस वजह से आज हम 75 लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी ट्रिप हमने करी थी जयपुर में, उस ट्रिप में क्या खर्चा आया था। एक सेकंड, फ़ोन आ गया यार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा टोटल इस ट्रिप में जो एक्सपेंस हुआ है वो कितना हुआ है, कितना हमारा टोटल खर्चा आ गया है। ट्रिप में जो मेजर एक्सपेंस आया है वो हमारा एक तो स्टे का आया है। हम लोग रुके थे श्री विलास में, वहाँ का जो हमारा खर्चा था होटल का 2 नाइट्स 3 डेज का 5,000 रुपये 5200 रुपये के आसपास का वो खर्चा था। उसके बाद जो हमारा एक्सपेंस है वो है फ्यूल का। हमने निमराणा में CNG भराई, हमने दिल्ली से CNG भराई, हमने कुकस में भराई। जो CNG का खर्चा है 2,000 रुपये के आसपास का टोटल CNG का खर्चा है। फूड का खर्चा है वो 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा है। ओल्ड राव में आते वक्त खाना खाया था और जाते वक्त हमने हाईवे किंग पे लंच किया था। सो वो मिलाकर के ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड था होटल के पैकेज में। जो लंच है वो हम लोग बाहर, जैसे हम लोग पत्रिका गेट पे घूमने गए थे तो वहाँ पे हमने स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। फिर हम अगले दिन हवा महल गए थे तो हवा महल में भी हमने थोड़ा बहुत ऐसे कुछ खा लिया था। तो कुछ नहीं खाया था हमने लंच में। तो इसलिए जो हमारा ओवरऑल खाने के ऊपर जो एक्सपेंस हुआ है वो 2,500 से 3,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ है। बाकी इसमें टोल टैक्स लगा है, 650-700 रुपए का टोल लगा है। हवा महल की एंट्री हो गई, नाहरगढ़ की एंट्री हो गई, पार्किंग हो गई, रिक्शा लिया हमने। मिसलिनियस जो खर्चे हैं वो लगभग 1,200-1,500 रुपए के मिसलिनियस खर्चे हैं। जब मैं टोटल करता हूँ इन सब का ओवरऑल, तो 12,000 के आसपास में आया। 12,000 रुपए में 2 नाइट्स 3 डेज का आना जाना, रहना, खाना पीना, घूमना, और वो भी 3 लोगों का। परी है, बच्ची है, अभी एडल्ट नहीं है वो, और बाबू तो क्या ही उसको काउंट करूं। 4 लोगों की ये ट्रिप बैठी है। 4 लोगों की ट्रिप में 12,000 रुपए का खर्चा मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। देहरादून वाली ट्रिप में भी हमारा खर्चा लगभग 12,500 रुपए के आसपास में आया था। वहाँ पे हमारा खर्चा बच गया था क्योंकि हमने Airbnb किया था और हम 2 कपल्स थे, मतलब 2 फैमिलीज थी, तो Airbnb का जो एक्सपेंस था वो 2 में बट गया, तो वो हमें थोड़ा सा एकोमोडेशन सस्ता पड़ गया, इस वजह से उस ट्रिप का खर्चा कम आया। और इस वाली ट्रिप में हमने होटल किया था, Airbnb नहीं किया क्योंकि Airbnb हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा था। अगर हमारी लोग ज्यादा होते या 1-2 फैमिलीज और हमारे साथ में होती तो फिर हम लोग Airbnb की तरफ जाते, वो हमें सस्ता पड़ता है। तो जब नंबर ऑफ पर्सन आपके ज्यादा हो या तो गो फॉर Airbnb, क्योंकि वो आपको कई सारे बेनिफिट्स देगा। कि नंबर ऑफ पर्सन कम हो सो गो फॉर अ होटल, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट। हमारी गाड़ी ने भी काफ़ी कम खर्चा लिया है, हमने गाड़ी भी काफ़ी साइट सींग के लिए घुमाई है, बहुत सारी चीज़ें हमने करी। 700 किलोमीटर के आसपास में गाड़ी चलाई और हमारी कुल 2,000 रुपये की CNG लगी, तो गाड़ी ने भी काफ़ी एवरेज अच्छा निकाला है, जिस वजह से हमारा फ्यूल पे एक्सपेंडिचर कम हुआ है। तो अगर मोटा मोटा कैलकुलेट करूँ, 3,000 रुपये पर हेड आता है 2 नाइट्स 3 डेज के लिए। आना जाना, रहना, खाना पीना, घूमना, एवरीथिंग, इट्स अ गुड डील। तो अच्छा है, अच्छा एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो गया। हालांकि एक्सपेंस मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया कितना है, बट ऑब्वियसली अब YouTube पे है तो वो सभी देख लेंगे, बट आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था कि कितना एक्सपेंस आया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आज आपको सिर्फ एक्सपेंसेस बताने थे कि मेरी ट्रिप पे कितना एक्सपेंस आया। तो मिलते हैं आपसे कल, सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल, बाय बाय।